नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। फोन पर ट्रंप ने की मोदी से बात, आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका साथ। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के चार दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार रात फोन पर बातचीत की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और रक्षात्मक सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया। मोदी और ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में साथ खड़े रहने का संकल्प किया। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सिन स्पाइसर ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। मोदी 5वें विदेशी नेता है जिनसे अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद ट्रंप ने फोन पर बात की है। व्हाइट हाउस ने बातचीत का ब्यौरा देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका भारत को अपना सच्चा दोस्त और विश्व में व्याप्त चुनौतियों से निपटने में अपना साझेदार समझता है। ट्रंप ने कहा कि वे साल के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में स्वागत करने को उत्सुक है। दोनों नेताओं ने अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक एवं रक्षा जैसे व्यापक क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने के अवसरों पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण और मध्य एशिया क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात की। दोनों ने संकल्प जताया कि अमेरिका और भारत आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि ट्रंप के साथ बातचीत गर्मजोशी भरी रही। आने वाले दिनों में हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। ट्रंप ने 8 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में अपनी ऐतिहासिक जीत से दुनिया को हैरत में डाल दिया था। ट्रंप की जीत के बाद उन्हें सबसे पहले बधाई देने वाले दुनिया के 5 नेताओं में मोदी भी शामिल थे। चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद इजराइल समेत जिन देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की बात कही थी उन देशों में भारत का भी नाम था। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 50,000 से अधिक की नकद निकासी पर लगेगा कर। रिमी सेन भाजपा में शामिल, उत्तर प्रदेश में करेगी प्रचार। निक्की हैली होगी संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत। अमेरिका के साथ विवादों को सुलझाना चाहता है चीन। किंगफिशर ने रून में की 263 करोड़ की हेराफेरी, माल्या भी आरोपी।